बीजेपी के सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता यहां पहुंच चुके हैं। ये नारेबाजी, ये आक्रोश, ये प्रदर्शन, ये भीड़, ये भिड़ंत और विधायक के घर का घेराव, ये सब आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। ये पूरा काफिला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का है जो अपने हक के लिए सड़कों पर उतर आया है। आज द्वारका विधानसभा के पूर्व विधायक प्रद्युम्न राजपूत, निगम के तीनों पार्षद और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने विधायक विनय मिश्रा के घर का घेराव किया। उनकी मांग थी कि दिल्ली सरकार जल्द से जल्द एमसीडी के 13,000 करोड़ रुपए का बकाया चुकाए। केजरीवाल सरकार के द्वारा जो 13,000 करोड़ रुपया एमसीडी को दिया जाना है और वो नहीं दे रहे हैं, पिछले काफ़ी समय से नहीं दे रहे हैं, जिसकी समय समय पर डिमांड की, जो पैसा उनको अपने आप दे देना चाहिए था उसके बाद भी नहीं दिया। उसके बाद प्रदर्शन रखा हुआ उनके दफ्तर पर, घर पर, निवास पर शांतिपूर्वक सारे सांसद बैठे हुए हैं और सारे हमारे पार्षद बैठे हैं, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बैठे हैं, हमारे मेयर बैठे हैं, और ना तो मिलने का समय दिया ना उनकी इस बात की चिंता करी। कड़कती ठंड के अंदर बैठे हैं, वो भी तो जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी तो जनता ने चुना है। निगम का जो फंड मिलना चाहिए और वो आज तक लगातार पिछले 2-3 वर्षों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, और आप देख रहे होंगे सभी मेयर, सभी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, सभी जितने भी हमारे नेता सदन हैं, लगातार 5 दिन से केजरीवाल जी के घर के बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन उस व्यक्ति को इतनी शर्म तक नहीं आई कि एक बार मिलने की जहमत उठा लेता। 3 साल होने को आए हैं केजरीवाल जी एमसी तीनों निगमों का पैसा नहीं दे रहे। आपने जगह जगह पे पोस्टर लगे देखे होंगे, 13,000 करोड़ रुपए जो एमसीडी का देना है, जिससे कि हमारी एमसीडी की जो व्यवस्था है चरमराई हुई है। कुछ लगभग 2 लाख कर्मचारी हैं जिनको वेतन नहीं मिल पा रहा है। और ये मुख्यमंत्री जो है, जो कहता था मैं दिल्ली का मालिक हूँ, आज दिल्ली के जन सेवकों से मिलने को तैयार नहीं है। आप वीआईपी कल्चर खत्म करने आए थे देश का, लेकिन आप देश के सबसे बड़े वीआईपी बन गए हैं। आज आप उतने बड़े वीआईपी बन गए हैं कि जो वार्ड का प्रथम नागरिक होता है, जो दिल्ली का प्रथम नागरिक होता है, वो आपके दरवाजे पे आके बैठा है, आपको उससे मिलने की फुर्सत नहीं है। क्योंकि एक सिस्टम है, उस सिस्टम के माध्यम से केंद्र राज्य को देता है और राज्य एमसीडी को देती है, क्योंकि हम उसके नीचे हैं सरकार के। तो हमारी एक जो मांग है यही है कि हमारा जो बकाया पैसा है 13,000 करोड़ वो वापस करें, जिससे कि हम अपना काम सुचारू रूप से कर सकें। लगभग 3 वर्षों से ये पैसा रोका हुआ है। हमारे एमसीडी के केजरीवाल सरकार ने जो है पूरे 13,000 करोड़ रुपए बकाया राशि देना है, वो लोग वो नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से हमने जो है प्रदर्शन करने का, घेराव करने का निर्णय लिया है। भाजपा नरेंद्र मोदी की सरकार जो है मतलब कि शांतिपूर्ण से काम कर रही है, इनके केजरीवाल सरकार तो गुंडी सरकार है, इनका तो काम ही गुंडागर्दी करना है। एमसीडी के 13,000 करोड़ रुपए की लड़ाई अब आम आदमी पार्टी के विधायकों के दफ्तर के घेराव तक पहुँच गई है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने चीख चीख कर दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जो कर्मचारी कार्य करते हैं, 3-3, 4-4 महीने हो गए तनख्वाह नहीं मिल रही है, और केजरीवाल सरकार जो है जो पैसे का दुरुपयोग कर रही है, जो गाड़ी कमाई है पब्लिक की, टैक्स का पैसा है, उसका दुरुपयोग कर रही है। समाधान ने देखिए प्रवीण जी, निकलना चाहिए। हमारी पब्लिक रोड पे आ गई है, सड़कों पे आ गई है। हमारे जो निगम के पार्षद है वो 5 दिन से ठिठुरती हुई ठंड में रोड पे बैठे हैं, लेकिन केजरीवाल जी के कोई जू तक नहीं रेंग रही है। और आज आप देख सकते हैं कि हमारी जो पब्लिक है निगम की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतर आई है। बीजेपी के लोगों का काफिला जैसे ही विनय मिश्रा के दफ्तर की ओर बढ़ा तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। आलम ऐसा कि मानो दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता हाथापाई पर उतर आए हों। विधायक विनय मिश्रा के दफ्तर में इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी के सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता, यहां पहुंच चुके हैं। 13,000 करोड़ रुपए की मांग को उठाते हुए ये तमाम कार्यकर्ता यहां पहुंचे, उसके साथ ही आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता भी यहां मौजूद हैं। दोनों भिड़ंत की स्थिति में है, पुलिस बल इतना ज्यादा नहीं है कि भीड़ को कंट्रोल कर पाए, सिर्फ एक पुलिसकर्मी आपको यहाँ नजर आएगा, कोई भी पुलिसकर्मी यहाँ नहीं है। एक पुलिसकर्मी जो खुद कहीं खो गया है वो देखिए नजर भी नहीं आ रहा है, कोई पुलिस बल तैनात नहीं है।
भिड़ने वाले हैं आपस में, और ये देखिए आपस में जो है इनकी स्थिति जो बन चुकी है वो झगड़े की स्थिति बन चुकी है। एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ चुके हैं दोनों नेता, दोनों तरफ नारेबाजी हो रही है। बीजेपी वाले दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता जो है मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं तमाम पत्तियों के साथ, तमाम झंडों के साथ, पूरी तैयारी के साथ। भारतीय जनता पार्टी ने धावा बोला है और दिल्ली सरकार के तमाम विधायकों के दफ्तर में, ये सामने आप देखेंगे विधायक का दफ्तर है, यहाँ अलग आम आदमी पार्टी के अलग कार्यकर्ता खड़े हैं। ये भीड़ आप देखेंगे, यहाँ भी आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता। हाँ जी, ये तो पूरी तैयारी के साथ आए, आपने कुछ तैयारी करी है निपटने के लिए? नहीं, हम लोगों को कोई तैयारी की जरूरत नहीं है। इनका लोकतंत्र में सभी का अधिकार होता है, इनका भी अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, परंतु ये लोग अपने गिरेबान में जाके, ये जो पैसे की कमी की बात कर रहे हैं, पहली बात तो केंद्र सरकार ने कोई पैसा रिलीज नहीं किया है। केंद्र सरकार पैसा रिलीज करेगी तभी दिल्ली सरकार रिलीज कर सकती है, पहली चीज। दूसरी चीज, यदि इनके पास फंड की कमी है तो साउथ दिल्ली ने अभी 2400 करोड़ रुपए माफ किया है, तो क्यों किया है, किससे पूछ के किया? यदि इनके पास फंड की कमी है तो इनको माफ नहीं करना चाहिए था। ये लोग क्या है कि भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है, अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, पर जनता समझ चुकी है। बीजेपी पिछले काफी समय से दिल्ली सरकार से एमसीडी के 13,000 करोड़ रुपए की राशि के भुगतान की मांग कर रही है। एमसीडी के तीनों मेयर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव कर रहे हैं। बीजेपी शासित एमसीडी का कहना है कि अगर जल्द से जल्द दिल्ली सरकार ने एमसीडी का भुगतान नहीं किया तो वो दिन भी दूर नहीं जब कर्मचारी भी सड़कों पर उतर आएंगे। इंडिया टाइम 24 न्यूज के लिए दिल्ली से प्रवीण की रिपोर्ट। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।